माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है और वो एसआईटी जांच करके यथोचित कार्रवाई होगी। सर, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले थे, काफी उसमें शिकायतें भी हैं, ये इस तरीके की बातें भी थी कि टीचर्स की कमी थी और इंग्लिश स्कूल खुल गए, तो क्या उसके ऊपर कुछ रिव्यू होगा? उन सबका अध्ययन करेंगे और हमने कहा कि विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि है। यदि ऐसा लगता है कि उसमें विद्यार्थियों का हित है तो सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे, यदि ऐसा लगता है कि उसमें विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। बीजेपी जो है हमेशा मातृभाषा में ही एजुकेशन देने की वकालत करती रही है और इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई अब मातृभाषा में कराई जा रही, तो क्या ऐसी सूरत में महात्मा गांधी स्कूल प्रासंगिक रह गए बीजेपी की सरकार आने के बाद? उस पर हम अध्ययन करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे, हमारे जो सीनियर्स हैं पहले शिक्षा मंत्री रहे उनसे भी विचार विमर्श करेंगे और जो भी छात्रों के हित में होगा और देश के हित में होगा वो काम करेंगे। 100 दिवस की कार्य योजना भी शिक्षा विभाग के लिए बनकर तैयार हुई, किस तरीके की प्राथमिकता रहेगी? अभी मुझे जानकारी नहीं क्या योजना तैयार होगी, उसको देखेंगे। सब्जेक्ट के अंदर भी बातें थी कि कौन कौन पढ़ाए जाएं, कौन नहीं पढ़ाए जाएं, ये अक्सर विवाद का विषय रहा था। पिछली बार वीर सावरकर को लेकर भी कुछ बातें आई थी, क्या आप उसको लेकर भी कुछ? देश के सभी महापुरुषों का सम्मान हो ऐसा हमारा विचार। मदन दिलावर अक्सर हम देखते थे, वो कहते थे कि कुछ कमियां हैं जो कांग्रेस राज में ऐसे महापुरुषों को नहीं पढ़ाया जा रहा है और जिन लोगों को पढ़ाया जा रहा है उनकी औचित्य नहीं है, तो क्या आप उन चीजों को रिव्यू करेंगी सरकार? हमने कहा अभी तो हमने संभाला है, सब देखेंगे, देख करके जो जनहित में छात्रों के हित में और प्रदेश और देश के हित में होगा वैसा पाठ्यक्रम बनेगा। एक सर तबादला बहुत बड़ा इशू है, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले जो है, देखो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तबादलों के बारे में निर्देश दिए हैं और भी निर्देश दिए, जो निर्देश दिए उनकी अक्षर से पालना होगी। मतलब डिजायर सिस्टम बंद होगा, प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने जो हमको निर्देश दिए हैं उनकी अक्षर से पालना होगी। सर शिक्षा के साथ साथ संस्कृत शिक्षा भी आपको मिला है, संस्कृत शिक्षा को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? संस्कृत शिक्षा संस्कृत है सब भाषाओं की जननी है, उनका उसका पूरा सम्मान होगा। लंबे समय से संस्कृत शिक्षा के बारे में भर्तियां नहीं हो पा रही, वो सम्मान में सब आ गया है। तो पंचायती राज विभाग भी आपके पास आया है, उसमें क्या कुछ आप देखते हैं ग्रामीण इलाकों में? अभी मैं उस विभाग को देखूंगा पर उसमें मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसको स्वच्छ प्राथमिकता रहेगी। कुछ सिलेबस में कुछ बदलाव की गुंजाइश लगती है आपको? देवनानी जी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं पिछले 5 साल। मैं कह चुका हूं कि जो भी छात्रों के हित में, बच्चों के हित में और शिक्षा के हित में होगा वो सब करेंगे। तो तबादले आसपास तो नहीं दिखते अभी? तबादलों को लेकर तो कोई जो नीति की बात की थी कि तबादलों की नीति होगी या कुछ? देखो अभी परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाओं के चलते हुए हम कोशिश करेंगे कि अध्यापकों के ट्रांसफर ना हो, लेकिन उस पर उसके बावजूद भी हम आज अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उस बातचीत में से क्या निकलता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें AUG टीचर्स लगाए हुए हैं तो उन पर ट्रांसफरों पर कोई बैन वैन होता नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो 12 से तो तनख्वाह उठा रहे हैं, जयपुर में बैठे हैं, वो सब ट्रांसफरों की श्रेय में नहीं आता, इससे प्रशासनिक कारण होते हैं। देखेंगे इस पर विचार।